वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सर एली मैटनी कॉफ के बारे में, जो कि क्या है, माइलस्टोन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बॉर्न हुए थे 1845 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1916 में। अब हम जानेंगे थोड़ा इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि हु वॉज एली मैटनिकॉफ, यानी कि जो एली मैटनिकॉफ जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में थे कौन। तो ये एक एसोसिएट थे किसके, लुईस पास्चर सर के। लुईस पास्चर सर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट शुरू की थी, कौन सी, माइलस्टोन्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो मैंने आपको कोच सर, लुईस पास्चर सर के बारे में भी, सभी के बारे में बताया था और उनका कंपैरिजन भी बताया था, यानी कि दोनों के, क्योंकि बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लुईस पास्चर सर और रॉबर्ट कोच सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। तो इनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर मेन फोकस रखूँगी मैं एली मैटनिकॉफ पर। तो ये कौन थे, जो एली मैटनिकॉफ थे, एसोसिएट थे लुईस पास्चर सर के, और ये एक रशियन जूलॉजिस्ट थे जो कहाँ पर रह रहे थे, पेरिस में रहते थे। और काम कहाँ पे करते थे, किसकी लैब में करते थे, पास्चर सर की लैब में काम करते थे, जिसका नाम क्या था, इंस्टीट्यूट पास्चर फ्रेंड्स। ये जो बोर्न हुए थे वो हुए थे खामोर प्रोविंस ऑफ यूक्रेन में, जिसको USSR भी कहते हैं। कब, 1845 में, जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही था। और 1860 में उन्होंने क्या किया था, कंप्लीट की थी उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी, किसमें, एम्ब्रियोलॉजी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। तो कहाँ से, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी से खातिर, रशिया और जर्मनी एंड इटली की अलग अलग यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन एम्ब्रियोलॉजी में पूरी की थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, कि जिससे हम जान पाए कि इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। जो एली मैटनिकॉफ थे, इनके, इन्होंने जो टर्न, इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है बोलूँ, या फिर इनका इनिशिएटिव कॉन्ट्रीब्यूशन में बोलूँ, तो उन्होंने क्या किया था, उसमें टर्म दी थी फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, द ईटिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल को खाना। ठीक है, मैंने आपको जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाई तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई पैथोजन आता है तो हमारी कोई भी क्या करती है, सेल उसको ट्रैप करके रखती है। देन WBC आती हैं और उसको क्या करने का काम करती हैं, यस, उसको अपने अंदर एनगल्फ करती हैं। ठीक है, जो ट्रैप करने का, इनके एनगल्फ करने का काम होगा, वही क्या होगा, फाइगोसाइटोसिस, यानी कि सेल को एनगल्फ करके अपने अंदर रखना। 1884 में उन्होंने पब्लिश किया था किसका, फाइगोसाइटोसिस को, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, एक डिफेंसिव प्रोसेस बताया था, जिसमें क्या, डिफेंसिव प्रोसेस मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस, जिसमें क्या हो रहा है, एक बॉडी, हमारी बॉडी की जो WBC होती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो एनगल्फ करती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं किसी भी पैथोजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था। दस ही फॉर्मुलेटिव, उसके बाद में फॉर्मुलेट की थी क्या, बेसिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, जो साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो क्या है उसका, यस, वो उसका बेस है जो उन्होंने थ्योरी दी थी। वो थ्योरी क्या थी, द बॉडी, मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, द बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन बाय ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जो बॉडी होती है, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, है ना, वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स होती हैं। तो जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट होती है किससे, इन्फेक्शन से, किसके थ्रू, WBCs, यानी कि ल्यूकोसाइट्स के थ्रू, जो क्या कर रही हैं, एनगल्फ कर लेती हैं बैक्टीरिया को या फिर कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, या हम आसान भाषा में और बोलूँ इसको तो पैथोजन को क्या कर लेती हैं, इन्वेड करके रख लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, सर एली मैटनिकॉफ ने। कुछ और भी जानते हैं इनके बारे में, ये उसके बाद ये क्या बन गए थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे, कहाँ पर, इंस्टीट्यूट पास्चर फ्रेंड्स में 1888 में, और इवेंचुअली बिकम इट्स डायरेक्टर। उसके बाद वो क्या बन गए थे, उसके, यस, डायरेक्टर भी बन गए थे। उनके जो मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और जो रिकॉग्निशन था मेन उनका, क्या था वो, कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1908 में उनके इतने नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। और जो मैटनिकॉफ थे, उनके जो अदर नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो क्या था, कि उन्होंने बैसिलस बल्गैरिकस थेरेपी दी थी, जो क्या कर रही थी, कॉन्सेप्ट बताती थी हेल्थ का, किसका, हेल्थ का, स्वास्थ्य का। जो मैटनिकॉफ थे,
इसके बाद जो मेटनिकॉफ थे वो बिलीव करते कि जो स्टेफलोकोका है और लैक्टोबैसिलाई होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेजम, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोका लैक्टोबैसिलाई क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये इसके प्लूरल हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रेप्टोकोका लैक्टोबैसिलाई होता है योगर्ट में, वो क्या करता है, उन्होंने कहा था कि ऐसा मतलब वो इंटेस्टाइन में रहता है और रिप्लेस करता है वहाँ का जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या पहले से जो हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रो फ्लोरा होता है उसको क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। सपोज़ यहाँ पर पहले कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा था और हमने भी क्या कंज्यूम किया है, योगर्ट को कंज्यूम किया है, उसके बाद भी क्या होगा कि ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये योगर्ट वाले पैथोजन इनको क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर दे, मतलब उनकी जगह खुद रिसाइड हो जाएंगे, और जो पुराने पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उनके पास न्यूट्रिएंट की लिमिटेशंस होगी या किसी और रीज़न से, वो क्या हो जाएंगे यहाँ से वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये इसलिए ने बताया था कि इससे जो हमारा, क्योंकि पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म अभी रिप्लेस हो गए हैं, तो हमारा जो एजिंग पीरियड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा योगर्ट, वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में योगर्ट लेते थे, तो उसके बावजूद भी क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई थी 1916 में, जब उनकी एज क्या थी, कुल 71 ईयर्स ओल्ड थे वो। तो ये थे कुछ मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर एली मेटनिकोफ। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता है अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना है।